हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओए, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? काम कर रहा हूँ, इसमें क्या शर्म है भाई? और इसमें कौन सी मेहनत है? काम करो कोई। दुनिया में सिर्फ हनीमून मनाना काम नहीं होता भाई साहब, जैसे आप देखा, इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तुमको पता है, ऐसे घुटने फोल्ड करके बैठो, ऐसे ऐसे करके चलो, ऊपर से तुम जैसे लोग रास्ते पे मोटा मोटा थूक फेंक देते हैं, हमको ऐसे स्लिम होके ऐसे चक्के जाना पड़ता है, हैं? बहुत मेहनत लगती है। चलो 100 रुपया दे दो। बात इसने अच्छी की है, 100 रुपया दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी। लेकिन करोगी किससे? वो इंक्वायरी सेंटर है ना, वहाँ बात करते हैं। वहाँ तो बंदा ही कोई नहीं है। नहीं नहीं, जाओ जाओ, मिल जाएगा बंदा। अच्छा, हाँ जी, हो सकता है हमारे पहुँचते पहुँचते कोई आ जाए। जाओ जाओ। कहाँ है? हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो, हेलो, एक्सक्यूज मी, या प्लीज टेल मी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुनिए, ये बुलेट ट्रेन कब आएगी? बताइए, आपको जाना कहाँ है पहले? शिमला जाना है। शिमला जाना। कितना किराया लगेगा? 20 रुपए। बड़ा सस्ता। सॉरी सॉरी, मैं शिमला मिर्च का बता बैठा रेट आपको। नहीं नहीं, अपना शिमला का तो है जी, अपना ये 40,000 रुपया लगेगा पर टिकट। 40,000 रुपया लगेगा? हाँ जी। ओ भाई, तुम हमें वहाँ फ्लैट भी लेके दे रहे हो, इतना महंगा में हम नहीं जाएंगे। इधर आइए, आप उधर जाइए। उधर थप्पड़ तो नहीं मारना? नहीं नहीं, आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं ना, इसलिए महंगा लग रहा है आपको। एक बार हमारी एयर होस्टेस देखेंगे ना, आपको परवड़ेगा 40,000 रुपये में, सस्ता ही लगेगा, देखना। मैंने मेरे एयर होस्टेस, यहाँ एयर होस्टेस भी है भाई साहब। दे दो। यात्री कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एयर होस्टेस पहुंचे। भाई साहब, एक टिकट दे दीजिए। डार्लिंग, मैं अकेले ही हनीमून से होके आता हूँ, तुम घर जाके तलाक के पेपर साइन करो। क्या कहा आपने? एक बार आप घर पे आना, फिर बताऊंगी मैं आपको तलाक कहीं के। इस उम्र में नहीं गिराते, उठने में टाइम लगता है। ओह माय गॉड, आपको चोट नहीं लगी ना? ओ नहीं जी, पत्नी से पिटने की मेरी प्रैक्टिस है। वैसे भी कहते हैं कि पत्नी से पिटा हुआ और पुलिस की गाली का गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे पक्की बात है कि आप मेरे साथ ही रहेंगी? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आप जाइए, आप एक टिकट ले लीजिए। ये लो भाई साहब, खुद ही गिन लेना। दीजिए एक टिकट, बल्कि इनके साथ वाली देना, साथ वाली, बिल्कुल साथ वाली। ठीक है, साथ वाली दे देंगे। ये बाथरूम के साथ वाली सीट पे बैठी, आपको बाथरूम में दे दूं? बोलिए, बाथरूम में सीट दे दो। चलेगा चलेगा। चलिए, मुझे आप जरा ट्रेन अंदर से दिखा दे। अच्छा। एक आवश्यक सूचना, यात्री अपने आप सीट देख लेंगे, एयर होस्टेस इधर आ जाए, इंक्वायरी रूम में डॉक्टर गुलाटी वेट कर रहे हैं, यात्री सीट अपने आप देख लेंगे। मैं जा रही हूँ, आपकी यात्रा मंगल में हो। तो आप साथ नहीं होगी तो मंगल कैसे होगी? यात्री अपने आप सीट देख लें, वरना माइक पे गाली भी बोली जा सकती है। ओ हेलो, हेलो, चले हुए अनार, जाके बैठो ट्रेन में अपने, ये ट्रेन में आपके साथ ही जाएगी, चलिए जाके ट्रेन में बैठिए। ये साथ ही जाएंगी तो अच्छा है, घर वाली को तो भेज दिया, अब इसी का ही सहारा है सारा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, भाई को तो बहन का सहारा होता ही है जी। ये आपकी बहन है? आपकी है, ताड़ू लाल, जाके जा ट्रेन जाके देखो। थैंक्स लॉटरी, थैंक यू सो मच। मेरे को थैंक यू बोला, समझे? मैंने उसको बुलाया, वरना तुम्हारे पैसेंजर भाग जाते हैं। थैंक यू लॉटरी। मैंने आपके जान ले लेनी, मैंने देखो मेरी बात सुनो, उसको तो भेज दिया पैसेंजर को, जापान से आ रहे लोग जो हमें सारा पैसा देंगे ना, उनको अगर हमारी ट्रेन ना पसंद आई, फैसिलिटीज ना पसंद आई, एक रुपया नहीं देके जाएंगे वो। अच्छा। मुझे तो उनकी पहचान भी नहीं दिखते कैसे हैं। आप टेंशन मत लो, ये लोग सब मेरे भाई के जैसे ही लगते हैं, मैं उनको देखते आ रही हूं। भाई की बहन है तो उनको नहीं, पहले मेरे को देख, मेरा बीपी लो हो रहा है, चले तक तू देख लूंगी मैं। हाँ।
आप मिश्रा कपूर शर्मा हो? जी मैं ही हूँ। आप चिंग चाइनीज से आए हो? नहीं, हम बुलेट ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आए उद्घाटन करने? हाँ। फिर तो फीता यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाया आप तो बीच में से निकल जाएंगे। वेरी फनी। आप ये बताइए आपकी ट्रेन में फैसिलिटीज क्या क्या है? बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है हमारी ट्रेन में। स्विमिंग पूल है जी। स्विमिंग पूल? ओ वाह, हमारी ट्रेन में वो आज तक नहीं है, तुमने कैसे बना दिया? हमारा एक बाथरूम जाम हो जाता है, पानी निकलता नहीं है, तो जिसका दिल करता है नहा लेता है, सारे कस्टमर बहुत खुश है। इसका मतलब आपकी ट्रेन में बहुत गंदगी है? नहीं नहीं, बहुत साफ सुथरी ट्रेन है, सारे कस्टमर बहुत खुश है। चलो भी खुश। भाई साहब ये बहुत ही घटिया ट्रेन है, बाथरूम के अंदर लोटा ही नहीं है। लोटा है ऐसी चीज? लोटा नहीं, क्या कर सकते हैं? देखो इतने पैसेंजर आएंगे, बीच में से किसी का लोटा देके आपको दे देंगे। चलो चलो अंदर। मतलब आपकी ट्रेन में लोटा भी नहीं है? अगर लोटा नहीं होगा तो आदमी हल्का कैसे होगा? आपको क्या हल्का होने की जरूरत है, इतने हल्के आप ट्रेन निकलेगी ना, उड़ जाओगे आप। चलो अंदर जाओ भाई साहब, जाओ ट्रेन में सब कुछ ठीक है। एसी भी नहीं है उसके अंदर यार। एसी नहीं है क्या? मतलब एसी नहीं है वो ट्रेन है, ये बहुत ज्यादा फास्ट, तो इसलिए फास्ट बन गई। एसी को बनने में टाइम लग रहा है, जब बन जाएगा ऑर्डर दिया हुआ लगा देंगे। चलो यार, ना खाना मिला है वहां पर, ना अंदर न्यूज पेपर मिला है, ना पानी है, कोई चीज भी नहीं है। ट्रेन में है अपने ससुराल आयो? इतनी महंगी टिकट? वो तत्काल में बुक कराई ना, इसलिए महंगी हो गई जी, आप मेरी बात समझे। और भी बात गड़बड़ है। देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो कुछ बोल रहा था, अब नहीं बोलेगा। अच्छा वो पैसेंजर कहाँ गया? उसको बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने उसको ठंडा कर दिया, मतलब एसी में बिठा दिया मैंने। भिखारी ना आए स्टेशन पे, इसका भी ख्याल रखते हैं। आप कवर कर रहे हैं? करना पड़ता है जी, करना पड़ता है, सबकी जिम्मेदारी ली है, इसलिए स्टेशन मास्टर बने हुए हैं। खैर आप मुझे ये बताइए कि आपने ट्रेन चलाने के लिए मोटर कौन सी लगाई है? पानी खींचने वाली जो। What? क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी खींचने वाली छोटी सी मोटर ट्रेन भी खींच लेगी? खींच लेती थी, हम किसी की कैपेसिटी पे शक नहीं करते। अब आप देखो, आप इतने छोटे से आई गए ना कॉमेडी करने। बुलेट ट्रेन इज नॉट कॉमेडी। मैं आपके ड्राइवर से मिलना चाहूंगा। ड्राइवर से मिला देते हैं। ड्राइवर आ गया। हेलो ड्राइवर। हेलो अंकल, आई एम खजूर, मैं इस ट्रेन का ड्राइवर हूँ। ओए खजूर, तू कहाँ गया था? स्कूल गया था। स्कूल? स्कूल ड्राइविंग स्कूल। ये अभी ड्राइविंग सीख रहे? नहीं अभी तो साइकिलिंग सीख रहे हो, तो उसमें बैलेंस ही सीखनी पड़ती है। ट्रेन में क्या कुछ सीखना है, तो पटरियों पे चलनी है अपने आप बैलेंस बना के। नहीं नहीं, लेकिन इतना छोटा ड्राइवर? छोटा नहीं है जी, अभी ये एक बार दो बार नहाओगे तो हो जाएगा लंबा। अगर ये खुल के ऐसे अंगड़ाई ले लें तो आपसे लंबा निकला है। आप मुझे बताइए ट्रेन कैसे चलाएंगे आप? अरे यार पहले आप अनाउंसमेंट तो कराओ। अभी अनाउंसमेंट करो भाई कोई। यार किसान कृपया ध्यान दें, मुंबई से जम्मू जाने वाली गाड़ी अपने निर्धारित समय से आधा घंटा लेट जाएगी। थप्पड़ मारना पर रटी रटाई बातें बोल रहे हो, बुलेट ट्रेन कभी लेट नहीं होती, टाइम पे होती है। यात्री कृपया पहले वाली बात पे ध्यान ना दें, डिलीट कर दें। मुंबई से जम्मू जाने वाली गाड़ी आधा घंटा पहले ही जाएगी निर्धारित समय से। मैंने थप्पड़ मारना, पहले नहीं जाएगी, टाइम पे जाएगी, बोलो पापा टाइम पे जाएगी, टाइम पे जाएगी। इसी बात पे ध्यान दें, टाइम पे जाएगी। एक्सक्यूज मी, ट्रेन रवाना होने वाली, मुझे पता भी नहीं चला, मैं भी जाऊंगी। अरे क्यों नहीं, तुम्हारे बिना लेके जाएंगे ट्रेन में। जाएंगी लेकिन ट्रेन कब जाएगी, कैसे जाएगी? अरे हरी झंडी दिखाओ फिर देखो कैसे ट्रेन चलती है। ओ अभी रुक तो, ये ले हरी झंडी, चल अब सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। ओके चलो 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 भाई चलो 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 चलो। अरे ये ट्रेन नहीं, मैं उस ट्रेन की बात कर रहा हूँ। पहले बताना चाहिए था। ले हमने ऐसे इतनी देर गाना गाया हमने। वो ट्रेन तो आपके उद्घाटन के बाद कटेगी ना, आप पहले वो फीता तो काटो। चलो एंट्री आ है, चलो चलो आओ, चलो 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 ट्रेन का उद्घाटन, चलो 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 चलो। थैंक यू। इधर इधर से काटो, फोटो कैसे आएगी, इधर मरो। हाँ ओके, पहले अनाउंसमेंट करने दो। हाँ यात्रीगण कृपया ध्यान दें। दे दिया। और यात्री दे ना उधर ध्यान, मेरी तरफ क्या दे रहे हैं। अरे दे रहे ना। हमारे माननीय मुरली जी रिबन काटने जा रहे हैं, तो जोरदार तालियां ट्रेन से देने वाले, ताली मार रहे हैं। क्यों
लॉक सारा खुल गया है, ट्रेन गिर चुकी है, आप ध्यान ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पकड़े जाएंगे जैसे भी हो सकता है। देखिए उन्होंने वही फीता काट दिया जिससे ट्रेन बंद हुई थी यार, अब ये हमें मारेगा, भागो, ये बड़ा तेज भागते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बार मनोज भाई के लिए। मनोज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मेहनत को राहें जी, मेहनत को राहें और मंजिल को आसमान रखते हैं, अपने अभिनय से अदाकारी को जवान रखते हैं। वाह, अभिनय, अभिनय के गुरु भी जिसे अपना गुरु माने, यादगार है भीखू मात्रे जो अलग अंदाजे बयान रखते। क्या बात है, फिल्म आ रही है बुधिया जिसमें मनोज सर जो हैं ये कोच बने छोटे से बच्चे के, वो छोटा बच्चा पाजी आपने न्यूज सुनी होगी, हाँ हाँ, बड़ा आया था छोटा सा बुधिया, वो भागता रहता भागता रहता, मैंने उसके बारे में सुना है, कहते पैदा होते ही हॉस्पिटल से भाग गया था। अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है। तो सर आप उसमें कोच बने हो, उसको दौड़ना सिखाते हो आप जी, आपको खुद को कितना भागना पड़ता भाई? देखो पहले से मैं भागता था जी, घर से भागा, अच्छा दिल्ली से भागा, अच्छा अब मन करता है बम्बई से भाग जाऊँ, इतना भागना पड़ा आपको। भाई आपने कोच बनने का, आपका कोच का किरदार है जी, तो आपने खुद कोचिंग ली पहले? बहुत बार कोशिश की थी कोचिंग लेने की, अच्छा जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादा रिजेक्ट कर दिया ज़्यादा एक्चुअली। हाँ ये मैंने सुना है कि आप NSD में जाने के बड़े इच्छुक थे आप जी, बहुत ज़्यादा, तो लेकिन आपको हर बार रिजेक्ट कर दिया, ऐसा सुना है कि आपको भी रिजेक्ट किया है? मुझे 3 बार किया भाई, मेरे को 4 बार किया है। तो पाजी इसका मतलब मैं ये समझूं जो आदमी रिजेक्ट हो जाता है वो लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं आगे चल के? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा जब चौथी बार आपको रिजेक्ट किया NSD में, तो उससे पहले आपके दिमाग में आया था कि कभी ऐसे कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? कभी आपको ऐसा लगा था कि भागते भागते मनोज वाजपेयी आपके शो में आ जाएगा? मुझे भी नहीं लगा था। क्या बात है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.